गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। अब मैं आपके लिए 21 क्वेश्चन, मैंने आपको पहले 20 क्वेश्चन बताए थे उनकी ट्रिक के साथ, अब मैं 21 क्वेश्चन से लेके आ रही हूँ, वो भी उसके ट्रिक के साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम स्थित शहर, ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी, ये दोनों नदियाँ कहाँ पे संगम करती है, तो वो शहर पूछ रहा है। ठीक है, तो ये है रुद्रप्रयाग है इसका आंसर। मैंने इसकी ट्रिक बनाई है, अलका मस्त मदन होकर रुद्र भगवान से मिलने गई। अलका मस्त मगन मदन होकर, ठीक है, मदन मदन से मंदाकिनी और अलका से अलकनंदा, तो किससे मिलने गई? रुद्र भगवान से मिलने गई संगम, ठीक है, किससे? रुद्रप्रयाग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति कहाँ से निकाला? ठीक है, शंकराचार्य ने बद्री का आश्रम में, मतलब बद्री के आश्रम में जो स्थापित मूर्ति है वो कहाँ से निकाली थी? जो बद्री के आश्रम में स्टाम्प पे जो मूर्ति जो है स्थापित, वो उन्होंने कहाँ से खोज की थी या निकाली थी? इस टाइप से नारद कुंड, ये इसका आंसर है, नारद कुंड से। ठीक है, शंकर मैंने इसमें वर्ड लिया है, शंकराचार्य से मैंने शंकर लिया है, अर्थात भोले भगवान जिनके शाप को कोई रद्द नहीं कर सकता, ना रद्द, ठीक है, जिनके शाप को कोई भी रद्द नहीं कर सकता, तो ना रद्द, ठीक है, नारद कुंड। 23rd क्वेश्चन है आपका, जागेश्वर का मृत्युंजय मंदिर किस राजा ने बनाया? जागेश्वर का मृत्युंजय मंदिर किस राजा ने बनाया? शालिवाहन, इसका आंसर है शालिवाहन। तो मैंने इसमें वर्ड लिया है जागो, ठीक है, जागे हुए ईश्वर को मृत्यु वाला मंदिर में आलिशान वाहन दिए गए, मतलब जो जागे हुए भगवान है, तो जो मृत्यु वाला मंदिर है, जिन्हें मृत्युंजय मंदिर, मृत्युंजय मतलब मृत्यु वाला मंदिर, जागेश्वर, जागे हुए ईश्वर को मृत्यु वाला मंदिर में आलिशान वाहन प्राप्त किए गए, दिए गए, मतलब एक ऐसा मंदिर जिसमें भगवान तो है, भगवान तो जागृत है, लेकिन क्या उसकी मान्यता ये है कि मतलब मृत्युंजय उसको पूजते हैं वहाँ के लोग, जो अपनी मृत्यु के लिए कि मतलब हमारे मृत्यु हमारे लंबी उम्र मिले, अपने परिवार की लंबी उम्र के लिए, ठीक है, मृत्यु पर जय पाने के लिए, अजय विजय पाने के लिए, तो उस पर एक आलिशान वाहन दिए हुए हैं लोगों ने। ठीक है, 24th क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के कितने जनपद पड़ोसी देश को छूते हैं? तो इसका सिंपल आंसर है 5। ठीक है, 25th क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, जैसे सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा, ठीक है, आरोही क्रम बढ़ते क्रम में सबसे सबसे बड़े ज़िले, ठीक है, बड़े ज़िले, तो ऊंच पे, ये ट्रिक है हमारी, ऊंच पे मतलब ऊंचे पे, ठीक है, ऊंचे पे मतलब हम जब ऊंचे ऊंचाई पर जाएंगे तो वही तो पूछा है, वो ऊंचे में असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में बताओ, तो सबसे पहले आता है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी है क्षेत्रफल में बड़ा है, उससे बड़ा है चमोली और उससे बड़ा है पिथौरागढ़, तो ट्रिक क्या है, ऊंच पे। अब हमारा 26वां क्वेश्चन है, शिव प्रसाद डबराल चरण कौन थे? शिव प्रसाद डबराल साहित्यकार एवं इतिहासकार, ठीक है, शिव प्रसाद डबराल चरण कौन थे? साहित्यकार व इतिहासकार, मैंने इसकी ट्रिक बनाई है, शिव का प्रसाद, शिव वर्ड लिया है और प्रसाद वर्ड लिया है मैंने, शिव का प्रसाद, शिव द्वारा दिए जाने वाले प्रसाद के समय अर्थात इतिहास के, मतलब जो शिव जी थे वो हमारे इतिहास में माने जाते हैं, ठीक है, तो उनकी मतलब अगर किसी ने उनका दिया हुआ प्रसाद खाया होगा, तो इसका मतलब यही, आज के टाइम में अगर हमें किसी का पता चलेगा कि किसी ने शिव जी के हाथ का दिया हुआ प्रसाद खाया, तो हम तो यही मानेंगे ना कि वो बहुत ही इतिहास का व्यक्ति था, बहुत ही बूढ़ा हो गया होगा, तो वो कौन थे? शिव प्रसाद मतलब शिव द्वारा दिए जाने वाला प्रसाद के समय के अर्थात इतिहास के, तो साहित्यकार एवं इतिहासकार। हमारा 27th क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम कवि कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार मैंने इसका आंसर है सुमित्रानंद पंत, लेकिन मैंने इसकी ट्रिक क्या बनाई है, ज्ञान, ठीक है, ज्ञान से भरपूर वही होता है
हमारे साथ मित्र जैसा होता है, अर्थात इसका मतलब ये है कि देखो, अगर हमारा कोई मित्र हो, हमारा कोई दोस्त होगा, तो हमारे सारे सीक्रेट किसको पता होंगे? हमारे दोस्त को पता रहता है। सबसे ज़्यादा सीक्रेट जानने वाला कौन होता है? इतने हमारे मम्मी पापा भाई बहन किसी को नहीं बताते, लेकिन सबसे ज़्यादा सीक्रेट किसको पता रहता है? दोस्तों को। ठीक है, तो ज्ञान से भरपूर वही होता है हमारे साथ जो मित्र रहता है। ठीक है, तो मित्र सुमित्रा नंदन पंत, ज्ञात पीठ सुमित्रा मित्र। ठीक है, 28th क्वेश्चन है, राज्य पक्षी। देखो राज्य पक्षी कौन है उत्तराखंड का? हमें हर किसी को एक शांत, एक सिंपल, चाहे कहीं पे भी है, हर किसी को सिंपल पसंद आता है। तो मैंने इसकी ट्रिक क्या बनाई है कि मोनाल, मोनाल जो मोन शांत रहता है। ठीक है, 29th क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम स्थल कौन सा है? अलकनंदा और भागीरथी, पहले मैंने बताया था अलकनंदा, और किसका बताया था? अलका किसके साथ भागी? मैंने बताया था अलका मस्त मगन होकर रुद्र भगवान से मिलने गई थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, अलका भागते भागते देवों के पास पहुँची। ठीक है, अलका और भागीरथी भागते भागते, अलका भागते भागते किसके पास? देवों के पास पहुँची, मतलब देवप्रयाग। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मांत का युद्ध किसके बीच हुआ? धर्मांत, अब देखो धर्मांत से क्या आता है, धर्म, धर्म से हमारा, अगर हमारे दिमाग में कोई सीरियल आएगा तो वो क्या है, एक रामायण। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा धार्मिक सीरियल है और आज के टाइम में वैसे भी बहुत ज़्यादा फेमस है रामायण। ठीक है, जो पहले ज़माने में जो एक रामायण बनी थी, जो आज भी आ रही है, तो वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुई थी। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि धर्मांत के युद्ध किसके बीच हुआ था, तो वो है औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। तो मैंने इसका ट्रिक बनाया है, मैंने वर्ड लिया है धर्म, ये देख सकते हैं आप, धर्म वर्ड लिया है मैंने। रामायण एक धार्मिक कथा थी, ठीक है, जिसके द्वारा जिसमें दारा सिंह जी, पता है हमें, हनुमान जी बने थे और वो गंजे भी थे। ठीक है, मतलब बारस में दारा सिंह की जब आप बाल देखेंगे, अब जो दारा सिंह देखेंगे आप, तो वो गंजे हैं, तो बाद में वो गंजे भी हो गए थे और हनुमान जी भी बने थे। ठीक है, तो दारा सिंह गंजे, औरंगजेब और दारा सिंह मतलब दारा शिकोह के बीच में लड़ाई हुई थी, धर्मांत। जब आपको तभी धर्मांत आएगा तो दिमाग में क्या आएगा, एक रामायण आएगी, रामायण में दारा सिंह थे, जो क्या बने थे, हनुमान जी बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 31st क्वेश्चन है, नंदा देवी शिखर किस भाग में है? नंदा देवी शिखर, अब देखो इसका आंसर है कुमाऊं हिमालय। मैंने इसकी ट्रिक क्या बनाई है, नंदा, नंदा से मैंने क्या लिया है, नंद, नंदलाल जी मतलब कृष्ण जी को बोलते थे हम नंदलाल, बहुत कमाऊं प्रकार के थे वे हिमालय के पहाड़ियों में बांसुरी बजाते थे। जो हमारे कृष्ण जी थे, वो मतलब बहुत ही सिंपल, बहुत कमाऊ टाइप के मतलब व्यक्ति थे, तो वो क्या करते थे, मतलब सब उन पे डिपेंड थे, मतलब गांव वाले काफ़ी विश्वास करते थे उन पे, तो हमने माना कि वो बहुत ही कमाऊ व्यक्ति थे। कमाते कैसे थे, वो बांसुरी बजाकर। ठीक है, तो वो कहाँ बजाते थे बांसुरी? हिमालय के पहाड़ियों में बांसुरी बजाते थे। ठीक है, तो इसका आंसर है कमाऊ हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 32 क्वेश्चन, काली नदी अन्य नदी, अन्य नाम शारदा नदी, शारदा नदी। ठीक है, ऐसी नदी जो जगह जगह शरण लेती है, ऐसी नदी जो जगह जगह शरण लेती है, शरण शारदा नदी मतलब शरण नदी। देखो मैंने काली नदी के बारे में बताया था, सबसे लंबी नदी जो है काली नदी है। काली नदी, अगर आप एक सिंपल एक काली नदी के बारे में सोचो, तो माना कि अगर आपको कोई कहे काला पानी, काला पानी मतलब नाले वाला पानी। ठीक है, और अगर कोई आपको नाले वाला पानी बोलेगा, तो नाला कैसा होता है कि नाला कब बनता है, जैसे कहीं पे भी लोगों ने कूड़ा करकट डालना शुरू कर दिया। ठीक है, तो शारदा नदी, शारदा नदी मतलब एक नदी के जब 5-6 भाग होते हैं तो वो नाली बन जाती है। ठीक है, तो शरण लेने वाली नदी कौन सी हो गई? शारदा नदी। तो काली नदी शारदा नदी के नाम से भी जानी जाती है। शैलेश मोटिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 33 क्वेश्चन, शैलेश मोटियाने का उपन्यास। ठीक है, तो छोटे छोटे पक्षी उपन्यास का नाम है, आंसर ये है। और मैंने आपको मटियानी, मटियानी वर्ड लिया है इसमें से मैंने, मटियानी मतलब पक्षी मटक मटक के जाते हैं, पक्षी मटक मटक के जाते हैं। ठीक है, तो शैलेश मटियाने का उपन्यास, पक्षी मटक मटक के जाते हैं। ठीक है, सिंपल, मटियाने मटक मटक के, तो मटक मटक के कौन जा रहे हैं? पक्षी जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं की दानपुर घाटी जिले कौन सा है?
कुमाऊं की दानपुर घाटी जिला कौन सा है? अब देखो, दानपुर, दानपुर से क्या याद आता है? बागेश्वर, आंसर इसका है बागेश्वर। अब बाग जमा ईश्वर, बागेश्वर। दान घाटी वे घाटी है जो में ईश्वर दान में बाग, मतलब जो हमारा जो, इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है, ठीक है, वो एक वरदान ही है हमारे लिए, मतलब हम उसको ईश्वर का एक वरदान मांगते हैं, किसको, बाघ को, तो वो हमारा राष्ट्रीय पशु भी है, तो इसलिए वो कौन है, बागेश्वर। दानपुर में क्या आ जाएगा, बाघ जमा ईश्वर, बागेश्वर, ईश्वर का वरदान, ठीक है। 35वां क्वेश्चन है हमारा, 35 क्वेश्चन है, कुली बेगार प्रथा विरोध आंदोलन संबंध नदी, ठीक है, सरयू नदी। अब कुली बेगार प्रथा कौन सी थी, मैं बताती हूँ आपको। कुली बेगार प्रथा वो थी जिसमें लोग, अंग्रेज जो आते थे दूसरी जगह से, तो वो क्या करते थे, लोगों से जो फ्री में जो तो है सामान, मतलब उठवाते थे अपना, मतलब उनसे बोलते थे कि हमारा सामान उठाओ फ्री में। तो ये कुली बेगार वो थी, विरोध, इसका विरोध भी हुआ था और इस चीज़ को ख़त्म भी किया था। तो इसमें मैंने ट्रिक बनाई है कि कूली से सरसर, सरसर मतलब सरयू काम करवाते थे, मतलब जब वो सोचते थे कि जब फ्री में काम हो रहा था उसमें, मतलब जब हम क्या, हमें जब पैसे देने होते किसी भी काम के, तो हम उस चीज़ के बारे में छत्तीस बार सोचते हैं, लेकिन जब हमें पता चलता है कि इस काम के हमने कोई पैसे नहीं देने, तो हम एक इंसान को 10-10 काम बता देते हैं, तो सरसर सरयू काम करवाते थे, ठीक है। कुमाऊं में चंद्र शासन का जन्मदाता था कौन है, मतलब कुमाऊं में चंद्र शासन का जन्मदाता कौन है? सोमचंद्र। अब कुमाऊं में कमाऊ, हम जब भी ड्यूटी जाते हैं हमारा पहला दिन कौन सा होगा ड्यूटी जाने का, कमाने का, सोमवार। तो बस यही ट्रिक है, सोमवार वीक से कमाना शुरू करते हैं, ठीक है, सोमचंद्र। अब हमारा 37 क्वेश्चन है, कर्जन ट्रेल पास दर्रा को किस नाम से जानते हैं? क्यारी, कर्जन ट्रेल, मैंने इसमें वर्ड लिया है कर्जन, और ये रहा हमारा कर्जन, ठीक है। किसान कर्ज लेते हैं, क्यारी बनाते हैं, ठीक है, किसान जो होते हैं वो कर्ज लेते हैं और क्यारी बनाते हैं। क्यारी क्या होता है, वही जो पहले की, मतलब क्यारी में किसान जो होते हैं अपना जो भी फल फूल जो भी बोते हैं, तो पहले वो कर्ज लेते हैं अपने वहाँ के जो ठेकेदार जो भी होते हैं, और फिर क्या करते हैं, क्यारी बनाते हैं। तो मैंने इसका ट्रिक क्या बनाया है, कर्जन, कर्जन से क्या आएगा, कर्जन कर्ज लेते हैं और क्या बनाते हैं, क्यारी बनाते हैं। 38 क्वेश्चन है, किस जनपद में हेड खान आश्रम है? अब देखो, हेड रामगढ़, आंसर इसका रामगढ़, मैंने इसकी ट्रिक बनाई है, हेड से बनाई है, सभी हेल्थ का हेड फल होता है, मतलब डॉक्टर बोलते हैं कि एप्पल कीप्स द डॉक्टर अवे, मतलब जो फल जो सेब होता है वो डॉक्टर को दूर करता है, मतलब फल से सेहत बनी रहती है। तो सब हेल्थ का हेड कौन सा होता है, फल होता है, तो फल का संरक्षण केंद्र कौन सा है, रामगढ़, ठीक है। 39 क्वेश्चन है, 1929 में चंद्रसिंह गढ़वाली ने महात्मा गांधी से भेंट कहाँ की? मैंने आपको बताया है कि जो महात्मा गांधी थे वो बाघ देखने के लिए आए थे, ठीक है, और ईश्वर का वरदान है क्या, बाघ, तो बागेश्वर में उनकी मुलाकात हुई थी। हमारा 40 क्वेश्चन है, कौन सा शिकारी मिनी कार्बेट के नाम से जाना जाता है? हम जब भी मूवीज़ में देखते हैं तो शिकारी के लिए कौन, कोई ठाकुर ही होता है जो शिकार करने निकलता है, ठीक है, मतलब कोई राजपूताना ही होता है जो, मतलब आम आदमी तो ऐसे हिरन विरन को मारने नहीं निकलता है, लेकिन जो पहले के ज़माने के जो ठाकुर वगैरह थे, तो वही जो थे वो उसको मारने निकलते थे। तो इसका आंसर है ठाकुर दत्त जोशी, ठीक है। ओके गाइस, मेरे 40 क्वेश्चन हो गए हैं, मैंने 20 क्वेश्चन का रिव्यू दिया है आपको, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट करें, जिससे कि मैं एक वीडियो और बनाऊं, और अगर आपको कुछ गलती लगती है तो उसका भी कमेंट करें, जिससे कि मैं अपनी किसी भी चीज़ में जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उस चीज़ में आगे रिव्यू दें। ओके, थैंक यू, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि अगली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए और इसकी ट्रिक आपको फटाफट से अपने याद करने के काम आए। ओके, ठीक है, थैंक यू, बाय।